हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकेत। 2 बजे के आसपास एक घर गिर गया मालवनी गेट नंबर 7 प्लॉट नंबर 55 में। यहां के जो रहवासी हैं उन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि वहां पे किसी की जान या किसी के नुकसान की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन यहां पे जो लोग हैं, जो घर गिरा है, जिन्होंने लाइव देखा, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से घर गिरा। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान भाई। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। जब घर गिरा तो आप कहाँ पे थे? यहीं बैठे हुए थे हम लोग। किस तरह से गिरा? ये पीछे की तरफ की दीवार है ना, जो एंगल झुका है वो पूरा कमज़ोर हो चुका था और वहीं से वो दीवार गिर गई। तो ऊपर के लोग भाग भाग के नीचे, हम लोग भी लोगों को बाहर बुलाए, तो फिर पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया। पुलिस आई, फिर फायर ब्रिगेड आया, JCB आया, फिर उन लोग अपना सामान उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लोगों को पुलिस ने उतारने नहीं दिया। सामान के चक्कर में उन लोग को भी कुछ लग ना जाए। किसी को कुछ भी नहीं लगा, चलो वो अच्छा होगा, किसी को कुछ भी नहीं लगा, एक खरोच भी नहीं आया किसी को। लेकिन जो रूम का कंडीशन था एकदम ही गया हुआ था, वो कंडीशन की वजह से एकदम ही एंगल वेंगल बैंड हो चुके थे उसके। हाँ, मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे कभी उन्होंने बोला था कि गिरने वाला? अरे वो बहुत बार बोलते हैं उन लोग, लेकिन वो कभी कुछ कराते ही नहीं, वो खाली भाड़ा लेने आता है बस। हम ओनर का नाम तो यही समीर है, जो उधर पे आगे खड़े उन लोग का ही है वो। हाँ, मैं तो भी यही था, लेकिन ऐसे बहुत निकली, ऐसा निकली घर देखो, वो सब देखो, ये उसका कोई सपोर्ट नहीं है, वो कभी भी, वो भी गिरेगा। जो उसको अभी छुपा दिया, देखो कितना ऊंचा कितना है उसका एंगल, उसका नीचे, और वो कोई नीचे से फाउंडेशन करके नहीं बनाया है, वो खाली वो ऊपर ही ऊपर रिपेयरिंग करके ऊपर इतना ऊपर तक गया है वो। एक हाँ, और उसमें पूरी फैमिली वैमिली 4-5 माल मैं तो था नहीं यहाँ पे। मालूनी की परिस्थिति है कि मालूनी देखा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कलेक्टर का सर्वे कराया है। मैंने कलेक्टर वाले आए थे यहाँ पे, सर्वे हुआ है और उन्होंने लिख के लेके गए। मालूनी के अंदर कैसा हिसाब पता मैं मालूम है कि यहाँ पे डब्बा टीला माला बनाते, भाड़ा खाते लोग, मगर लोगों को उससे तकलीफ है क्योंकि वो जान ले एक हादसा हो सकता कभी ना कभी, तो उसको लोग बीएमसी परमिशन ना दे उसको, आप बीएमसी परमिशन ना दे और इतना आदमी 2-3 माला नहीं बनाया मालूनी के अंदर, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम तो पहली बात तो इब्राहिम खान है, लोकल यहाँ का मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं, ठीक है। यह हादसा है ना, कई दिनों पहले हमने रूमधनी को शिकायत किए थे कि ये हादसा होने वाला है, लेकिन रूमधनी है ना, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने साफ मना कर दिया, बोला ठीक है मैं बनवाऊँगा, ऐसा बोला उसने, ठीक है। और दूसरा कैसा है, 4 माले का, खास करके 4 माला जो 5 माला अभी बना है, एक तो इधर 30 नंबर प्लॉट में है बुर्ज खलीफा, एक बांदा प्लॉट में अभी 5 माला और बना है। कलेक्टर क्यों परमिशन दे रही है उनको? सबसे पहले BMC और कलेक्टर उसको रोके, वो परमिशन ना देवे, क्योंकि वो परमिशन दे रहे हो 10-5 हज़ार रुपये रिश्वत खा रहे, तभी जाके वो रूम तैयार होना, नहीं तो नहीं होगा। मालवनी पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उनका भी है, लेकिन अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन मालवनी पुलिस रात को हम लोग को बहुत सहयोग करी है, वो आई थी रात को तुरंत मदद के लिए, तुरंत आई, जैसा दीवार गिरी है वैसे 5 विकेट भी आई थी, तुरंत सहयोग किया हम लोग को, और BMC के अधिकारी भी आए थे, तुरंत उन लोग ने भी हेल्प किया हम लोग को, ऐसा कि नहीं। अच्छा, किसी को हादसा नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं है, किसी को खरोच तक नहीं आई, बराबर दीवार। और ये हमारे शकील भाई है, ये भाड़ू थे नीचे के जी, चाय की दुकान थी। हाँ, मोहम्मद शकील खान जी। भाड़ा? भाड़ा 5 हज़ार भाड़ा देता हूँ, अभी मैं 3 महीने से था। नहीं तो मैं तो 3 महीने से, बाकी और लोग बोल रहे थे बनवाने के लिए, ऐसा नहीं बोला, मैं 2-4 दिन में बनवा दूँगा। मेरे से भी बात हुई थी कि भरने के थोड़ा मुझे पैसा आएगा, भरनी करा दूंगा, बस यही बात हुई थी। हाँ, भरनी के रिपेयरिंग की जी। हम बात करेंगे, जो हादसा हुआ था रात में, जो ऊपर थे उनसे भी बात करेंगे जी। मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन जी, आप ऊपर रहते हैं? जी ऊपर। जब घर गिरा तो आप ऊपर ही थे? जी ऊपर ही थे सर। तो किसी को कुछ लगा नहीं? मतलब 4-5 लोग सोए हुए थे, तो 1-2 जन जैसे मोबाइल यूज कर रहे थे रात में, तो उनको मतलब जैसे कंकड़ जैसे आवाज़ आई कि भाई क्या अचानक बाहर से तो नहीं आ रहा है, तो फिर लाइट तो बंद थी, तो अचानक मालूम पड़ा तो फौरन सब बाहर निकल गए, तो सब लाइट बंद थी, एक तो लोग मोबाइल पे थे, बाकी लोग सो रहे थे। हाँ, जैसे जो कंकड़ पत्थर से जैसे गिटार पर गिर रहा था, तो वही हिसाब से सब फौरन नीचे उतरने लगे, उसके बाद नीचे उतरने के बाद फिर गिरा। जी कॉल किया सर, 10-15 मिनट 20 मिनट में आ गए। हाँ, किसी
नहीं नहीं सर कोई नहीं। अभी वो अब सपोर्ट क्या करें सर, जो नुकसान तो मेरा 3 लाख से कम से कम से कम जो मतलब मशीन उशीन तो ला सकते हैं, मशीन उशीन जो उसका कोई ये नहीं, लेकिन जो सेटअप था वो सेटअप नहीं हो सकता है, वो और कहीं करेंगे तो क्या नुकसान हुआ वो बताओ। ये लाइट वगैरह लगा हुआ था और जो एंगर हुआ तुम्हारा लगभग रहा है 3 लाख का तक, 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ये घर गिरने की वजह से जो दीवार टूटी ऊपर किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ ऐसा भाई का कहना है। तो और भी कोई भाई कुछ बोलेगा? बस आप इधर आइए जी। जी आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम है सैफी सिद्दीकी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ये जो हादसा हो रहा है इसका सारा जिम्मेदार जिलाधिकारी के कर्मचारी और बीएमसी डिपार्टमेंट होते हैं। ये पैसा लेके मामला आगे बढ़ाते हैं, बनवाते हैं, माला बनवाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये देखो अभी 10 दिन पहले मैंने कंप्लेंट भी डाला था, इस पर पूरा कार्रवाई करके अभी देखिए यहाँ पर ये माले का भी दिया, अभी इस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ ये ऐसे ऐसे हादसा होते जा रहा है, और भी मेरे पास है 4-5 घर का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेपर बहुत सारे। आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया बीएमसी के? नहीं धरना प्रदर्शन जब क्यों नहीं करे जब सारे लोग आपके साथ रहते थे? सर मैं जब कार्यकर्ता था हमको ना तो किसी की जान लेनी है ना तो किसी कुछ गलत तरीके से नुकसान पहुँचाना है। सर मैं जब जिलाधिकारी गया था गोरेगांव डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे हमको ये दिलासा दिया गया कि आप ऐसा कुछ मत करो, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपके एरिया में पट्टे पे ऐसा हादसा हुआ है, सारे कर्मचारी उस पर लगे हुए हैं, वहाँ से बिजी हो वहाँ से फ्री हो जाएंगे तो तुरंत उस पर कार्रवाई होना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो हाल ही में आज फिर ऐसा हादसा हो गया, इसका सारा पूरा दारोमदार जिम्मेदार बीएमसी और जिलाधिकारी की जितने कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है और उनका ये हुआ है। तो आपने देखा हमने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे सैफी सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे जो कि जय भारत एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट हो या बीएमसी डिपार्टमेंट हो या कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की जान ना जाए, अगर कुछ भी नुकसान हो तो जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये सिर्फ अपनी सैलरी लेते और अपने घर रहते और रिश्वत खाकर लोगों को परमिशन देते हैं कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कीजिए, इसलिए हमारी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इस तरह से ना करें ताकि किसी की जान ना जाए। धन्यवाद।